हम सब जन्म जन्म का दोस्त है। इस जन्म में मिलन हो गया। आज कारण बिना कार्य नहीं होता है। ये कारण है, इसका कारण पिछली जन्म कार्य यहाँ बन रहा है। इसलिए याद रहना है, हर पल कुछ भी होगा कारण कार्य संबंध। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? सब कुछ भूलने के लिए ध्यान, भूल गए सो सब कुछ याद करने के लिए ध्यान, सब कुछ भूलने के लिए ध्यान, भूल गए सो सब कुछ याद करने के लिए ध्यान। भूलना है, क्या याद करना है, यही है ज्ञान। बचपन से इस पल तक भौतिक जीवन में क्या हुआ है, क्या खो गया है, ये सब कुछ भूलने से खुशी मिलता है, याद करने से दुखी दुख। ये सब कुछ भूलने के लिए एक ही रास्ता है, ध्यान। मन भूतकाल में घूमती है, याद करती है हमें क्या क्या खो गया, हमारा जीवन कितना दुखी जीवन था। ये सब कुछ याद करने से फायदा नहीं है, वो भूतकाल है। भूत, ये मन भूत के पास जा रही है, भूत हमारे पास नहीं है, भूत रुलाती है। इसलिए ये मन को बंद करने के लिए, हमारे साथ रखने के लिए, वो सब कुछ भूलने के लिए एक ही है रास्ता, ध्यान। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइको मतलब मेंटल टेंशन से शरीर को बीमारी आ रही है। ये टेंशन का कारण हमारा मन है, वो भटकती है भूतकाल में भविष्यकाल। आगे क्या होगा सोचे तो डर जाते हैं, पीछे क्या हुआ याद किया तो रोते हैं, दुखी दुख। इसलिए बंदर मन भूतकाल में भविष्यकाल में घूमने का मन को वायुपुत्र बनाना है। सांसों पे मन रखने वाले कौन है? वायुपुत्र है। हमें जब वायुपुत्र बनेगा, मन का खेल बंद हो जाएगा, ब्रह्मरंध्र खिल जाएगा, ऊर्जा से भर जाएगा, शक्तिमान हनुमान बनेगा। हर पल शक्तिमान बनना है, हनुमान बनना है। ये बंदर मन राम का बात नहीं सुनती है। राम कौन है? आत्मा राम है। ये बंदर मन को हनुमान बना के राम भगवान को समर्पण करना है। हमारा जीवन राम राज्य बनता है। ये राम को मालूम है धर्म अधर्म। हमारा सही सोच, सही बात, सही कर्म, ये बंदर मन को मालूम नहीं है। इसलिए ध्यान क्यों करना है? भूलना है सब कुछ। इस पल तक अपमान हुआ, नुकसान हुआ, पूरा दुखी जीवन, क्या खो गया, कोई फायदा है याद करने से? वो टेंशन से शरीर को बीमारी आ रही है। कोई दवा नहीं है सोच विचार बंद कराने का, टेंशन खत्म करने कोई दवा है? नेचुरोपैथी नहीं, होम्योपैथी नहीं, एलोपैथी नहीं, कौन सा भी नहीं, केवल ध्यानोपैथी है, दूसरा कोई पति नहीं है, है ना? ध्यान, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, पति के साथ पत्नी नहीं है। खुशी देने वाला कौन है? पत्नी है, है ना? पत्नी कौन है? पत्नी बाहर नहीं रहेगा, भीतर रहेगा, घर में रहेगा पत्नी। खुशी से खिलाने वाला, खुशी देने वाला पत्नी है। पति कभी भी खुशी नहीं देता है, भीतर है, बाहर नहीं है पत्नी, है ना? इसीलिए ध्यानोपति चाहिए। ध्यान पत्नी है, पति पत्नी मिल गया, स्वस्थ, शांति, खुशी, सब कुछ मिलता है। इसीलिए हमें कौन सा पत्नी को पकड़ लिया? ध्यान, ध्यानोपति, ध्यान पत्नी है, पति पत्नी मिल गया है, खुशी ही खुशी। इसीलिए ध्यान का आवश्यकता हर पल है। हमारा मन
एक पल भी भटकना नहीं, भूतकाल में नहीं जाना है, भविष्यत काल में नहीं जाना है। कर्नाटक में बादामी एक गांव है, वो पहाड़ में केव्स बना दिया। ये केव में वर्धमान महावीर का स्टैचू है। मैं देखते देखते मेरे मन से एक सवाल आ गया, आपका नाम वर्धमान महावीर कैसा बन गया? मेरे मन को भूतकाल में जाने न दिया एक पल भी, भविष्यत काल में जाने न दिया, वर्तमान काल में रहने का जीत पाके मैं वर्धमान महावीर बन गया। मन का जीत पाना अलेक्जेंडर जैसा जीत नहीं, पूरा लूटा, घर भी लेके नहीं सका, मरण हो गया, लेकिन वर्धमान मन को जीता है। मन को जीतने के लिए एक ही तरीका है, ध्यान। हमें कितना ऊर्जा से भर के रहने, पूरा ऊर्जा मन को कंट्रोल करती है। आंखें है दरवाजा है आंखों को, मुंह को दरवाजा है, क्यों? बंद करने के लिए ज्ञान चाहिए, कब बंद करना आंखें मुंह, कब खुला रखना है। 5 मिनट मिल गया, 10 मिनट मिल गया, आंखें बंद करो, अपने आप मुंह बंद हो जाएगा, 100% ऊर्जा बच जाएगा। नुकसान है आंखें बंद करने से? ध्यान लगने दो नहीं लगने दो, नुकसान तो नहीं है, ये हमने मालूम होना है। 5 मिनट बंद करो आंखें, बचाओ ऊर्जा, क्यों बर्बाद करना ऊर्जा? ये आंखें क्यों है? प्रकृति को देखने के लिए है, प्रकृति का ऊर्जा पाने के लिए आंखें है, नहीं तो बंद करने के लिए, बेकार की चीज देखने के लिए नहीं, ऊर्जा को खोने के लिए नहीं, ऊर्जा पाना है। तन का काम बंद हो गया, कब आंखें बंद हो गया, मुंह बंद हो गया, हाँ तो बंद किया, 100% ऊर्जा बच गया। ये मन घूमती है भूतकाल में भविष्यत काल में, वो मन को वायुपुत्र बना दिया, खिल गया ब्रह्मरंध्र, भर गया ऊर्जा, बन गया हनुमान। शरीर का काम बंद हुआ, 100% ऊर्जा बच जाता है, मन का काम बंद हुआ, 1000% ऊर्जा बढ़ जाता है। नुकसान है, 5 मिनट 10 मिनट क्यों नहीं कर सकते हमें ध्यान? सुबह आलू पराठा 1 घंटा ध्यान, दोपहर खाना 1 घंटा ध्यान, रात में रोटी 1 घंटा ध्यान, शाम में मंचूरी पानी पूरी 1/2 घंटा ध्यान, सुबह से रात तक चाय लस्सी जूस 10 मिनट ध्यान 15 मिनट ध्यान, भगवान का काम क्यों नहीं करना है हमें? देखना है, करके देखना है, ऊर्जा से भर जाना है, ऊर्जा ओवरफ्लो होना है। एक बार पतिसर में जा रहे थे कार में, मैंने पूछा, सर पुट्टपर्ती बाबा के बारे में कुछ सुनाइए। देखो हमारा ऊर्जा विभूति सृष्टि करने के लिए, कुछ लिंग लिखाने के लिए, मैजिक के लिए उपयोग नहीं करना, हमारा ऊर्जा दूसरों का ऊर्जा को जगाने के लिए ऊर्जा चाहिए। दूसरों का ऊर्जा जगाने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए हमना? ओवरफ्लोइंग ऊर्जा, ओवरफ्लोइंग। ये कब ओवरफ्लो होगा? हम योगी बनना है, ध्यानी, ध्यान किए तो ध्यानी बनते हैं। ध्यानी क्या बनना है? योगी बनना है, योगी योगेश्वर बनना है। ध्यान किए तो ध्यानी बनते हैं, अभी आगे बढ़े तो योगी बनते, आगे बढ़े तो योगेश्वर बनते हैं। योग का मतलब मिलन, मिलन खुशी देता है, पति पत्नी का मिलन खुशी देता है, भाई बहन का मिलन खुशी देता है ना, दोस्तों का मिलन खुशी देता है। आत्मा से मिलके रहना, परमानंद से जीवन कर सकते हैं, हर पल ये भगवान के साथ रहना है। एक भगवान के साथ रहने के लिए रुकावट करने वाला मन है, केवल मन है। वो मन को क्या करना है? मन को बंद करना है, सोच विचार बंद करना है। आंखें बंद किया है,
मन घूम रही है? यह मन शिष्य है, गुरु सांस है। गुरु नहीं घूमेगा, गुरु घूमेगा? गुरु रहा देख रहा, शिष्य कब मेरे साथ आके बैठेगा? ये शिष्य को गुरु के साथ बिठाना, बिठाइए, देखो एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, कितना गुरु के साथ हमें बिठाएगा उतना ज्ञान पाएगा। बच्चों को छोड़ते सुबह स्कूल में, शाम तक 6 पीरियड बैठना ही है, वो वापस लेके आते हम, वो बच्चा रोए तो हमें क्यों नहीं कर सकते 6 घंटे? नहीं होगा, बच्चों को बिठाते ना स्कूल में, हमें क्यों नहीं बैठ सकते हैं? अब सभी को मालूम है वाल्मीकि महर्षि, उनका नाम था रत्नाकर, जंगल में डाकू था, राक्षस का जीवन, प्राणियों का हिंसा, बैठ गया ध्यान योग में, सांस गुरु और मन शिष्य को बिठा दिया, सालों साल, सालों साल, सालों साल भीतर चले गए, उनका ऊपर वो मिट्टी का सांप रहने का घर रहता है ना, वो बन गया, उसे वाल्मीकि बोलते हैं संस्कृत में। आंखें बंद करने के पहले रत्नाकर था, आंखें खोलने के बाद वाल्मीकि महर्षि बन गया।